दुर्ग के बैगापारा मिनी स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास। इस अवसर पर शहर विधायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं के विकास कार्यों की सौगात मिली है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शनिवार को दुर्ग शहर विधानसभा अंतर्गत बैगापारा मिनी स्टेडियम में शहर विधायक गजेंद्र यादव ने उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही बहुत से किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे नगरवासियों ने इसका लाभ उठाया। इस दौरान शहर विधायक गजेंद्र यादव ने हितग्राही महिलाओं को राशन कार्ड का वितरण भी किया। इनके साथ साथ अगर इनके पार्षद का उपस्थित हो तो आप लोग की मदद करेंगे। आदरणीय सरला सोनी जी, आदरणीय सरला सोनी जी आगे बढ़ाओ। हमारा मूल सिद्धांत रहा उसको परिपालित करते हुए हमारे युवा विधायक न रिन्यूअल में देरी होगी और न केवाईसी में देरी होगी। अभी हमारे पार्षद मंडलों को ये है एक सूची आंगनबाड़ी में आ गई है, आप लोग सब। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इनमें से 18,897 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ रुपए लागत की 1 परियोजना का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ वासियों को वर्चुअल संबोधित भी किया। दिखाई दे रही है कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और एलईडी स्क्रीन के सामने जो भी बंधु है वो एलईडी स्क्रीन के सामने से हट। छत्तीसगढ़ की पावन धरती के सभी नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव को स्वागत उद्बोधन। ऐसे विश्व के बोलिए भारत माता की छत्तीसगढ़। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े थे। उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर भरोसा किया है। आपकी गारंटी के सारे कामों को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हुए हैं। इस अवसर पर दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस संबंध में शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, भाजपा पार्षद अजीत वैद्य ने अपनी जानकारी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम था, पूरे छत्तीसगढ़ के सारे नगरीय निकायों में हो रहा है माननीय भारत प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे केंद्र की योजनाएं, जैसे आप जानकारी में होगा कि भिंद्रुक जिले के सिरसा जो गांव है भिलाई सिरसा में, एक बहुत बड़ा जो सौर ऊर्जा सोलर प्लांट रेलवे द्वारा बनाया गया उसका भी आज लोकार्पण था। और बहुत सारे जो वाईसे ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, रोड है, सारी चीज़ों का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। और आज मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि महतारी वंदन योजना की राशि का भी आज सारे लोग लिस्टिंग हो गए हैं। लगभग 63,000 से ज़्यादा लोगों को दुर्ग में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उस संबंध सारे कार्यक्रमों को लेकर आज ये आयोजन हुआ है। हितग्राहियों को राशन कार्ड देने का नया राशन कार्ड भी आज से देना है, इसका आज ये कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, ये चरणबद्ध जो छूट रहा है उनको फिर से लिया जाएगा। हमारे बीच में ऐसा कई जिलों शिकायत आई कि जो ऑनलाइन जो है प्रोसेस थोड़ा धीमा चल रहा है, उसको भी बाद में बढ़ाया। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जिनका ऑनलाइन छूटा है उसको भी, जिनका ऑफलाइन जो हो गया है वो दावा आपत्ति उसको सुधार कर लिया जाएगा। तो विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर के 34,400 करोड़ की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ की जन जन की तरफ से मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
इसी के साथ में अब लग रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ एक नई दिशा की उड़ान भरेगा और पूरे देश में अपना नाम एक अलग उमदा और एक नए सिरे से दिखाई देगा देश में। भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज यह आयोजन सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। उद्देश्य है कि जो हमारे केंद्र की जितनी योजनाएं हैं और हमारे राज्य की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ हर आदमी तक पहुंचे, अंतिम छोर तक पहुंचे, उसी के प्रचार प्रसार के लिए। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी था, उनकी बातें आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।